हाय एवरीवन, मैं हूँ नंदिता और आप सभी का स्वागत है नंदिता's किचन में। आज की मेरी रेसिपी है एक बंगाली कुजीन, जिसमें मैं बनाऊंगी दोई कातला। दोई मतलब दही और कातला मतलब एक फिश का नाम, जो कि कतला नाम से जानी जाती है। और ये रेसिपी जो है हमारी उधर शादियों में और कोई भी ओकेजन हो तो उसमें जो है एकदम पॉपुलर है, बनता ही बनता है। और ये ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। मसाले इसमें बहुत ही कम लगती है और खाने में तो आप पूछिए ही मत। गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ ये दोई कातला खाने में अलग ही मज़ा लगती है। अगर आप फिश लवर है और अगर आपको मछली खाना पसंद है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल की बहुत ही पॉपुलर दोई कातला की रेसिपी को। दोई कातला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम कातला फिश ले लिया। फिश को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब हम यहाँ पे फिश को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक और हल्दी को मछली में अच्छी तरीके से हम कोट कर देंगे। देखिए इस तरीके से आपको करना है। अब हमें फिश को जो है 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है मैरिनेट करने के लिए। दोई कातला के लिए हमें यहाँ पे एक मसाला प्रिपेयर कर लेना है। उसके लिए 8 से 10 हम काजू ले लेंगे। एक छोटी चम्मच हम इसमें पॉपी सीड्स डाल देंगे और साथ ही में आधी छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे सौंफ। तो इन तीनों चीज़ों को ना पानी में इस तरीके से डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दे। उसके बाद इसको जो है ग्राइंड कर लेना है। जैसे ही फिश अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा, हमें यहाँ पे एक कढ़ाई गर्म कर लेना है और उसमें डाल देना है 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों के तेल। मैं यहाँ पे सरसों के तेल में बनाऊंगी। आप अपने चॉइस का कोई भी तेल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पे सारे मछलियों के पीसेस को डाल देंगे तेल में। ध्यान रहे, मछलियों को फ्राई करते टाइम तेल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दे, तभी आप मछली को डालें। 2 मिनट बाद हम सारे मछली को इस तरीके से पलट देंगे। ध्यान से पलटे, तेल यहाँ पे बहुत ही गर्म रहता है। दोनों साइड से मछलियों को जो है 2-2 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही मछलियाँ दोनों तरफ से थोड़ा सा पक जाएगा, हम इसको निकाल देंगे और एक प्लेट में रख देंगे। देखिए इस तरीके से आपको कर लेना है। इसको अलग रख देंगे। सेम कढ़ाई में हम 1 चम्मच के करीब तेल और डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 2 यहाँ पे सूखे लाल मिर्च डाल दें, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 यहाँ पे छोटी इलायची डाल दें और साथ ही में 3 से 4 लवंग डाल दें। इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। जैसे ही खड़े मसाले अच्छी तरीके से पक जाएगा, हम इसमें डाल देंगे प्याज के पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया और उसको जो है ग्राइंडर में पीस लिया था। इसको डाल दें और यहाँ पे प्याज के पेस्ट को अच्छी तरीके से भून लें। गैस के फ्लेम को जो है आपको मीडियम पे रखना है। मीडियम फ्लेम में हमें प्याज के पेस्ट को अच्छी तरीके से भून लेना है। जैसे ही प्याज के पेस्ट अच्छी तरीके से भून जाएगा, हमें इसमें डाल देना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। इसको भी अच्छी तरीके से आधे मिनट के लिए भून ले। आधे मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे काजू सौंफ और यहाँ पे जो है हमने पॉपी सीड्स को पेस्ट किया था उसका पेस्ट। साथ में थोड़ा सा पानी डाल दें जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मिक्सी जार में लगा हुआ था। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे और मीडियम फ्लेम में हमें जो है यहाँ पे लगातार चलाते हुए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेना है। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो रहा है और फ्रेग्रेंस भी इसका बहुत ही बढ़िया आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दही। दही को अच्छी तरीके से फेंट के फिर आप यहाँ पे कढ़ाई में डालें। और एक बात का ध्यान रखें, गैस के फ्लेम को सबसे लोएस्ट पे रखना है, नहीं तो दही जो है फटने लगती है। दही को डालने के बाद हमें जो है इसको लगातार चलाते रहना है। आधी छोटी चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे और मसाले को जो है अच्छी तरीके से भून जाने देंगे। करीबन आपको यहाँ पे 5 से 7 मिनट लगेगा लो फ्लेम में मसाले को भूनने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से भून रही है और जैसे जैसे मसाला अच्छी तरीके से भून रही है, ये जो है कढ़ाई को छूने लग रही है। कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है मसालों का। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो टोटल जो है 1.5 कप के करीब मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डाल के हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम में हमें जो है यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आ जाने देंगे।
दो मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेवी में जो है अच्छा सा एक उबाल आ गया है। ग्रेवी को 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। जैसे ही ग्रेवी टोटल 5 मिनट के लिए पक जाएगा, हमें इसमें डाल देना है फ्राई किए हुए मछली के पीसेस। तो यहाँ पे सारे पीसेस को हम ग्रेवी में डाल देंगे, थोड़ा सा इधर उधर पलट देंगे। ध्यान से पलटना है ताकि मछली के पीसेस जो है यहाँ पे ना टूटे। मछली के पीसेस को डालने के बाद हमें यहाँ पे इस ग्रेवी को जो है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारा दोई कतला बनके तैयार हो गया है। इस स्टेज में हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी फ्रेश बारीकी से कटी हुई धनिया पत्ता। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है बहुत ही एनहांस हो जाता है। धनिया पत्ता डालने के बाद ग्रेवी को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर दे। ध्यान रहे मछलियों के पीसेस नहीं टूटने चाहिए। अब हम चलते हैं दोई कतला को सर्व करने के प्रोसेस में। तो दोई कतला को सर्व करने के लिए हम यहाँ पे सारे मछली के पीसेस और ग्रेवी को जो है एक सर्विंग बोल में निकाल देंगे। आप इस दोई कतला को जो है गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही अमेजिंग लगता है ये। इस दोई कतला का लुक तो एकदम शादियों वाला परफेक्ट लग रहा है, खाने में तो इसका मज़ा ही आ जाएगा। आप एक बार इस दोई कतला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।